हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर बैंक के अंडर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जो कि 17 जून 2019 को जम्मू कश्मीर में कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो मेंस के एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर मेंस का, इसके जो लिंक है एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को यहां पे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते टाइम प्रॉब्लम्स आ रही थी। कमेंट सेक्शन में मैंने जैसे कि पढ़ा बहुत सारी वीडियोस की, तो वहां पे स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम फोन से प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 17 जून 2019 को, उसके एडमिट कार्ड को कैसे आपने फोन से डाउनलोड करना है। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोल चुके हैं, फिर भी आप उसके एडमिट कार्ड को फोन से ही कंप्लीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसमें क्या होगा, कौन कौन सी सेक्शंस उसमें रहेंगी, कितने मार्क्स की आपकी पर सेक्शन रहेगी और कितना टाइम आपको पर सेक्शन में दिया जाएगा और टोटल टाइम आपको क्या रहेगा आपका मेंस एग्जामिनेशन का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेंस एग्जामिनेशन में कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और आपके जो मेंस एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन सैंपल क्वेश्चन का भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जो कि यहां पे जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आपको कॉल लेटर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर मेंस एग्जामिनेशन के, वो यहां पे बता देते हैं कैसे यहां पे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, करियर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका यहां पे ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। डायरेक्टली इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज यहां पे ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे डाउनलोड कॉल लेटर फॉर प्रोबेशनरी मेंस एग्जामिनेशन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं योर डिवाइस इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज। तो यहां पे आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करते ही यहां पे देख सकते हैं आपके पास यहां पे पेज ओपन होके आ गया है। तो आपको ये सारी प्रोसेस गूगल के क्रोम ब्राउजर से ओपन करनी है। तो यहां से डेस्कटॉप साइट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला पेज यहां पे ओपन होके आ जाएगा। तो यहां पे आपको अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल डालनी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर अपना डालना है और डेट ऑफ बर्थ आपको एज अ पासवर्ड अपना यहां पर डालना है और सही से आप जब यहां पर कैप्चर डाल लेंगे उसके बाद यहां पर कर देंगे लॉग इन। तो जैसे ही आप यहां पर लॉग इन कर देते हैं अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल डिटेल्स डाल के, तो आपका वहां पे डायरेक्टली जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का एडमिट कार्ड है मेंस एग्जामिनेशन का, वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करके वहां से जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका एज अ पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप मेल के थ्रू किसी भी प्रिंटर से उसको आउट कर सकते हैं, हार्ड कॉपी उसकी अपने पास रख सकते हैं। तो ये था जिनके पास लॉग इन डिटेल्स हैं वो कैसे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं जिनके पास लॉग इन डिटेल्स नहीं है वो अपने कैसे पीओ के जो मेंस एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले वो यहां पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहां पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर पाने के लिए आपको यहां पे अपनी मेल आईडी डालनी पड़ेगी, जो आपने जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था पीओ का, तो आपने जब ईमेल आईडी वहां पे जो दी थी वही आपको यहां पे डालनी है। वो ईमेल आईडी जब आप यहां पे डाल देंगे, सबमिट आप यहां पे कर देंगे, तो आपकी मेल आईडी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सक्सेसफुली विद इन सेकंड्स में वहां पे आ जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आपको यहां पे लॉग इन क्रेडेंशियल पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपना बता है वो आपको यहां पे डालना है, उसके बाद कैप्चा आप यहां पे सही से डाल के यहां पे कर देंगे लॉग इन। तो सिमिलरली आप अपने एडमिट कार्ड को वैसे ही डाउनलोड कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, ये था प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो एग्जाम कंडक्ट होगा आपका मेंस का 17 जून 2019 का, उसके एडमिट कार्ड को फोन से ही कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको यहां पे अच्छे तरीके से बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आपकी क्या रहेंगी और क्या उसके मार्क्स रहेंगे, क्या उसकी टाइमिंग रहेगी। तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर बैंक ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे निकाली है प्रोबेशनरी ऑफिसर मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले आप यहां पे ये ध्यान दें कि आपका जो यहाँ पे एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपका मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस इसका क्या रहेगा और कौन कौन सी सेक्शन है यहाँ पे रहेंगी। तो सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेम ऑफ द टेस्ट, सबसे पहली सेक्शन आपकी जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 50 रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का यहाँ पे रहेगा फर्स्ट सेक्शन के अंडर। यहाँ पे आपको 35 मिनट्स पर सेक्शन मिलेंगे। सेकेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें आपके 40 ही रहेंगे। तीसरे सेक्शन आपकी यहाँ पे आ जाती है रीजनिंग एबिलिटी एंड द कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 50 रहेंगे लेकिन मैक्सिमम मार्क्स इसमें 60 रहेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 50 ही क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 50 ही रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहां पे देख सकते हैं, सारी चारों की चार सेक्शंस को ऐड करके 190 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। उसके बाद यहां पे मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पे ध्यान दें कि ये जो आपका कंप्लीट पेपर रहेगा मेंस एग्जामिनेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश में रहेगा, कोई भी रीजनल लैंग्वेज इसमें नहीं रहेगी, इस बात का आप यहां पे खास ध्यान दें। टाइमिंग आप यहां पे सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं, टोटल टाइम आपको यहां पे 160 मिनट्स दिए जाएंगे पूरे पेपर को करने के लिए, कोई भी ब्रेक इसमें नहीं दी जाएगी आपको सेक्शन वाइज, जैसे कि 35 मिनट्स इन्होंने बताया हुआ है, ऐसे आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगी, आपको 160 मिनट्स में पूरा पेपर कंप्लीट करना है। और यहां पे आप देख सकते हैं जो टोटल टाइम आपका टेस्ट के लिए रहेगा वो आपका 160 मिनट्स रहेगा, लेकिन आपको 200 मिनट्स पहले आपको यहाँ, मतलब यानी कि 40 मिनट्स आपको पहले वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे जो लॉगिन की प्रोसेस रहेगी उनकी या फिर कॉल लेटर की कलेक्शन रहेगी वो वहाँ पे 40 मिनट्स रहेगी, इसलिए आपको 200 मिनट्स पहले वहाँ पे पहुँचना है, जब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसके 40 मिनट्स पहले आपको वहां पे पहुंचना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन पीओ के लिए कंडक्ट होगा इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो यहां पे आप देख सकते हैं 1/4 आपकी यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर रॉन्ग आंसर के लिए। तो यहां पे ध्यान दें कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका सही क्वेश्चन भी होगा जो वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन वाइज यहाँ पे रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया। अब आपको बता देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज आपके क्या क्वेश्चन रहेंगे, सैंपल क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक आप यहाँ पे नोट भी याद रखें, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू, जब आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर का मेंस का एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स, उसके बाद पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन जो कि आपका भी कंडक्ट होने जा रहा है, जब आपका मेंस का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा तो मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो आपने स्कोर किया होगा उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू में। तो जब आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा वो आपका प्रिपेयर होगा, जो आपके मेंस के एग्जामिनेशन रहेंगे और जो आपका इंटरव्यू रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं फाइनल आपकी जो सिलेक्शन होगी वो आपकी मेंस के मार्क्स के ऊपर और इंटरव्यू में जो आप स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे होगी। अब आप यहां पे सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आपके सैंपल टाइप क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके वहां पे पूछे जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं वहां पे आएंगे, मतलब ऐसे आपके सैंपल क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं ऐसे ही आपके क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे, मतलब इससे थोड़े डिफरेंट रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जर्नल इंग्लिश का भी आप यहाँ पे सैंपल क्वेश्चंस देख सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से ट्राई करके जाएंगे अपने एग्जाम से पहले, तो ये आपकी सेकंड सेक्शन रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड द कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो रीजनिंग एबिलिटी एंड द कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाली जो सेक्शन है उसमें से आपके इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, फॉर्मेट आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी लास्ट सेक्शन रहती है चौथी सेक्शन, उसमें से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप यहां पे देख सकते हैं, इस टाइप के आपके वहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन वहां पे नहीं आएंगे, फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा जो आपके क्वेश्चन वहां पे रहेंगे मेन एग्जामिनेशन के अंडर पीओ के। तो फ्रेंड्स ये आपका पीओ का एग्जाम रहेगा जो मैंने आपको यहां पे बता दिया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज भी और क्या उसके सैंपल क्वेश्चंस जो आपके पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन के अंडर। तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे तरीके से देख लें, जो यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन पीओ के लिए हमने कंप्लीट यहाँ पे बात की है जम्मू कश्मीर बैंक के अंडर, तो जो स्टूडेंट्स भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेंगे कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है
प्रोबेशनरी ऑफिसर मेंस एग्जामिनेशन के डिक्लेयर हैं उसको कैसे डाउनलोड करना है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको यहां पे बता दिया है। 17 जून 2019 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या फिर मेन्स के एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हैं कि या नेगेटिव मार्किंग उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे विद इन सेकेंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी नई अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहें। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।